After successfully concluding the business end of Quad Summit, it was time for Prime Minister Modi to address Indian diaspora in New York. He arrived to a jam-packed stadium and received a rock star welcome, now a mainstay of all his offshore visits. After a series of cultural performances, Prime Minister repeatedly praised Indians in the US and said that for him, they have always been India's brand ambassadors. The Rashtradoots, he added, that for the world, AI means artificial intelligence, but for him, it is America, India. What followed was a list of achievements of India and the contribution made by his government in taking India ahead. He spoke of NDA's achievements since 2014 and said that India has emerged as a strong voice of the global South and the world listened to it. The Prime Minister then extolled Indian electoral process and his eventual victory, and the Apki Baar slogan made a return to his public address. Prime Minister added that he had very big ambitions for his third term and needed to move forward with three times the speed, strength and commitment. आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स, इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। तीन महीने का पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। आज का भारत दुनिया में एक नए कैटलिक एजेंट के रूप में उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा। ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल पीस के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल स्किल गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल इनोवेशंस को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमिका अहम होगा। साथियों, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। यानी नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, वेल्थ
इज फॉर कैरिंग, पावर इज फॉर प्रोटेक्टिंग। इसलिए भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आपकी तरह झलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।